बेसिकली दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जो इन्फोसिस कंपनी है, एक इतनी बड़ी कंपनी आईटी की इंडस्ट्री में है, तो मैं बेसिकली उसी के बारे में बात करूँगा कि जो उसका हायरिंग प्रोसेस है या सिलेक्शन प्रोसेस है वो इन्फोसिस कंपनी कैसे करती है। अगर आप जानना चाहते हो कि हायरिंग प्रोसेस क्या है और कैसे सिलेक्शन हो सकता है इन्फोसिस में, तो इस वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखते रहना। ज़्यादा टाइम ना लेते वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन, आप देख रहे हैं आपका अपना आईटी इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से इस छोटी सी इंट्रो के बाद। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नया आए हो तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दे रहा हो वहाँ पे क्लिक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, उसके बाद बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाला वीडियो आपका मिस ना हो। तो पहला प्रोसेस है, 10th और 12th में आपका 60% प्लस होना चाहिए। इवन अब धीरे धीरे उसका रूल बदलता जा रहा है, अब वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे 65% एबव बनना चाहिए। पहले 60% पे हो जाता था कैंडिडेट का, लेकिन अब रूल्स उसका बदल रहा है, तो अब 65% मांगते हैं 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में ज़्यादातर वो लोग प्रेफर करते हैं, बीटेक के कैंडिडेट, अगर एक आप आईटी प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, जैसे आईटी प्रोफाइल में और भी काफ़ी लोग चले जाते हैं लाइक बीसीए वगैरह, पॉलिटेक्निक वगैरह, लेकिन यहाँ पे आईटी प्रोफाइल में वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं एक बीटेक का बंदा। बाकी और भी सारी प्रोफाइल होती हैं, अकाउंट्स का भी होता है, कॉल सेंटर वगैरह का या डेटा एंट्री वगैरह का, वो भी जॉब्स होती हैं, तो वो अपने एक अलग अलग फील्ड में होती हैं बेसिकली। लेकिन अगर मैं आईटी के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो यहाँ पे जो मोस्टली कैंडिडेट हैं वो बीटेक के ही हायर किए जाते हैं। एंड दोस्तों, इसमें 3 राउंड होते हैं, एप्टीट्यूड, टेक्निकल एंड एचआर। एप्टीट्यूड में आपको नॉर्मली क्वेश्चंस मिल जाते हैं, और टेक्निकल में आप जिस फील्ड से जा रहे हो, अगर आईटी से जा रहे हो तो आईटी का, वहाँ पे आप अकाउंट से जा रहे हो तो वहाँ पे अकाउंट्स का होगा। आईटी में बेसिकली कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन टेक्निकली वहाँ पे बनते हैं। इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी है जो आईटी में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं एज अ स्टार्टिंग करियर के लिए, अगर आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो अपने को नॉलेज हो जाता था, पता हो जाता, तो वो चीज़ें थोड़ी सी इजी लगने लगती हैं। लेकिन जब एक फ्रेशर कैंडिडेट होता तो वहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस हो जाती हैं। तो दोस्तों, इसका जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो 3 पार्ट में होता है, 35 क्वेश्चंस होते हैं, आपको 40 मिनट मिलते हैं एंड 25 मिनट होते हैं, और आपको 15 क्वेश्चंस मिलते हैं, एंड एक और पार्ट जो होता है 35 मिनट और 10 क्वेश्चन, यानी कि 35 मिनट आपको मिलेंगे और वहाँ पे 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। एंड दोस्तों, सबसे खास बात क्या है, मैंने बहुत से वीडियोस में ये बताया है कि आपको जितना आता है वो आप सीवी में मेंशन करो, क्योंकि वहाँ पे जो इंटरव्यूअर होता है उस टाइम बस उसे ये दिखता है कि सीवी में क्या मेंशन किया है और ये उसे आता है कि नहीं आता है। तो इसमें जो टेक्निकल राउंड होता है वो आपकी सीवी बेस्ड होता है कि आपने सीवी पे क्या मेंशन किया है, क्या टेक्निकल प्रोफाइल है, क्या क्या आप जानते हो, तो बेसिकली वो उठा के वहाँ से पूछते हैं जो आपने रिज्यूमे या सीवी वगैरह पे मेंशन किया हुआ है। तो टेक्निकल में कुछ आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाते हैं, लाइक एक क्वेश्चन आपको प्रोग्रामिंग का मिल जाएगा, C++ का मिल जाएगा, जावा का मिल जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, एंड एक DBMS होता है सब्जेक्ट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करके, तो आपको उसके भी क्वेश्चंस वहाँ पे मिल जाएंगे एज अगर आप आईटी करियर जा रहे हो। एंड दोस्तों, जब ये दोनों राउंड आप क्लियर कर लेते हो तो 3rd राउंड होता है एचआर राउंड, जो कि बहुत ही नॉर्मल होता है और बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जब ये 2 राउंड बंदा क्लियर कर लेता है तो मेनली सैलरी वगैरह का डिस्कशन होता है, और बाकी टेल मी अबाउट योर सेल्फ और व्हाट इज़ योर मेमोरेबल मोमेंट, या काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो जर्नली होते हैं, हॉबीज़ क्या है, वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, और वाई शुड यू ज्वाइन दिस, तो इस तरीके से क्वेश्चन बेसिकली एचआर के होते हैं। तो ये इतना ज़्यादा टफ प्रोसेस नहीं होता है एचआर इंटरव्यू का, और अगर ये 2 राउंड क्लियर हो जाते हैं तो एचआर राउंड बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाता है। तो आई होप दोस्तों, आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। इसके बाद भी अगर आपका कोई कॉमेंट्स या क्वेरी है, नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। एंड दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नया आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर लेना, ताकि मैं अगर कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड गुड।